ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा होगा NSQF लेवल 5 से, जो कि आपका सिलेबस है 2019-21 से आई जो भी इसके आगे चलेगा वो NSQF लेवल 5 पर है। इसके अनुसार हम टॉपिक वाइज और लेसन वाइज हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हम अनुरोध करें कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि जो जो आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको जो बताए हम तो उसको आप नोट कर सके, और इसका एक अपना डायरी या नोट्स बना लेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपको रिवीजन के लिए भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन है अध्याय 1। अध्याय 1 है प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण। आप अपना सिलेबस आई बटन से ऊपर से मिल जाएगा, ऊपर से आप देख भी सकते हैं सिलेबस, जाके टॉपिक वाइज देख लें ताकि आपका कौन कौन सा लेसन कवर हो चुका है और कौन कौन अभी बाकी है उसके अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। और नहीं तो हम यहाँ से पूरा शुरू से अंत तक हम स्टार्ट कर चुके हैं, आपको पूरा ख़त्म करके आगे देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन में आज का अध्याय, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण का अर्थ। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण होता है, उसका मीनिंग क्या होता है या उसको अर्थ क्या होता है सबसे हम बता दें। और हम अपनी भाषा, कोई भी भाषा, इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, बंगाली, भोजपुरी, कोई भी भाषा, अगर हम अपनी भाषा को किसी को समझाएं या हम जानने की कोशिश करें जो बता रहा है, तो उसका जो जो बातें कर रहा है उसका अर्थ अगर हमें नहीं समझ में आता है, मतलब उच्चारण हमें नहीं समझ में आता है, तो हमें दिक्कतें होती हैं। मतलब शब्दों का जो उच्चारण करे वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए, तभी हम हमें उस भाषा का या उस शब्द का जो भी बातें कर रहा है उसको मतलब हम समझ पाएंगे। जैसे कोई वर्ड बोलता है स्कूल, स्कूल तो सही वर्ड है, लेकिन अगर लिखा जाता है स्कूल हिंदी में तो उसको स्कूल पढ़े तो बहुत से आदमी परेशान हो जाएंगे, या इस कोई भी बोलते हैं ये स्कूल क्या होता है, इस तरह की ऐसे बहुत से वर्ड मिलेंगे जो कि लिखे कुछ और आते हैं उसका उच्चारण हम कुछ और करते हैं। तो मतलब हम उच्चारण से हम समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि बोलने का सही तरीका क्या है। इस चैप्टर में यही बताया जाएगा कि बोलने का सही तरीका या उच्चारण का सही तरीका क्या है। तो हमें उम्मीद है पता चला होगा उच्चारण क्या होता है। हम कोई भी बात हम बताते हैं किसी को जिस भी लैंग्वेज में, तो उसका सही उच्चारण होना चाहिए। तो हम देखते हैं आगे, तो हम इसमें उच्चारण में हमें ध्यान देना होता है अल्फ़ाबेट्स, जो हमें अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णमाला, वर्णमाला आपके दो तरह के वर्ड्स, दो तरह के लेटर्स से बने होते हैं, एक वॉवेल होता है और एक कॉन्सोनेंट, जो कि आप जानते होंगे वॉवेल के और कॉन्सोनेंट के बारे में। वॉवेल होते हैं 5, कौन कौन, ए ई आई ओ यू, कौन कौन होते हैं, रिपीट करके लिख भी सकते हैं इसको, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो 21 बच्चे हैं ए ई आई ओ के अलावा वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन सभी के उच्चारण जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वही इसी इंग्लिश लेटर के प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम आगे देखते हैं। तो ये है ए, ए में अगर हम देखते हैं तो हम इसको ले लेते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, ए जो लेटर है हिंदी में अगर ए को हम लिखते हैं तो ए लिखाता है, ए हिंदी के आ में ए लिखाता है। अगर वही साउंड में हम देखें कार की बात करें तो कार, CAR कार होता है। कार को जब हिंदी में लिखते हैं तो ए का अर्थ आ जाता है, अलग उच्चारण होता है, आ कार में आ आ रहा है, इस ए का उच्चारण क्या कर रहे हैं हम लोग, आ। उसी तरह मैन एक वर्ड है, मैन में हम ए का उच्चारण क्या कर रहे हैं, ए आए कर रहे हैं, मैं आए कर, क्या कर रहे हैं, बोल के देखिए, प्रैक्टिस करिए, मैन का क्या उच्चारण हो रहा है, मैन, ए का उच्चारण ए हो रहा है। और उसी तरह वे एक वर्ड है, उसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें उसमें ए का उच्चारण आ रहा है, ए का उच्चारण क्या रहा है, ए। उसी तरह बी है, बी का उच्चारण अगर कोई वर्ड है बुक है तो उसका उच्चारण हम करते हैं तो बी बुक हो जाएगा, बुक में बी का उच्चारण बी ब हो रहा है। बल्कि इंग्लिश लेटर को अगर अकेले हम बोलते हैं, अकेले मतलब अकेले और बी बोलते हैं तो ब में ई की मात्रा लग जाता है, और वही किसी वर्ड के साथ बोल रहे हैं तो बी मत से ब हो रहा है।
तो इससे हम समझ रहे हैं कि अगर कोई बहुत सारे वर्ड्स हैं, 26 वर्ड, अगर लेटर्स, सॉरी लेटर्स हैं, उन सभी को अलग हम उच्चारण करें तो वो उनका उच्चारण अलग हो रहा है, और उन्हीं को वर्ड के साथ हम उच्चारण करें किसी भी वर्ड के साथ तो उनके उच्चारण बदल जा रहे हैं। उसी तरह बी के बाद कोई भी रैंडम वर्ड लेटर लीजिए, ए बी सी डी, एफ लीजिए, एफ में ए और फ आ रहा है हिंदी का, और लेटर अलग उच्चारण कीजिए, अब एफ एफ कर रहे थे, ए और एफ का उच्चारण आ रहा है, तो एफ और कोई भी एफ से वर्ड ले लीजिए, एफ से लिए फूड, फूड फूड ले लिए, तो फूड में एफ का अर्थ है फ, फ आ रहा है, क्या रहा है फ। फिर कोई भी वर्ड लीजिए एफ, जी ले लीजिए, जी जी में क्या लग रहा है, ज में ई की मात्रा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं जी ई की मात्रा, तो जी फोर कोई वर्ड ले लीजिए, जी फोर गोट ले लीजिए, गोट जी ओ ग का उच्चारण, क्या रहा है ग। उसी तरह कोई भी वर्ड आप सारे वर्ड लेकर अपना लिखिए, इसी तरह कॉलम बनाइए एक, और कॉलम में आप इस तरह कॉलम में सारा 26 लेटर अलग अलग कर दीजिए, और सबके रैंडम नंबर अपना कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे डी से ले लीजिए, डॉग ले लीजिए, डॉग का उच्चारण, बस अपना देखिए और बताइए, और नहीं से किसी का लेटर का आपको कन्फ्यूजन तो नीचे कमेंट करके पता कर लीजिए, हम उससे जवाब दे देंगे। उसी तरह वाई है, वाई से यंग है, वाई को और वाई को लेस ऐसे सिंगल सिर्फ लेटर में, इंग्लिश लेटर में उच्चारण करें तो वाई वाई, व में आ की मात्रा और ई लग रहा है तो वाई, और उसी को साउंड को मैं किसी वर्ड में ही उच्चारण करें, यंग तो य आ रहा है, वाई से य आ रहा है, और इंग्लिश लेटर को वाई को अलग सिर्फ एक लेटर बोलते हैं, उच्चारण करते हैं वाई वाई, तो व में आ की मात्रा और ई आ रहा है वाई। उस तरह माई है, माई है तो माई मा माई, एम में आग की मात्रा आ रहा है, क्या रहा है एम में। उसी तरह वाई के बाद और कोई वर्ड ले लीजिए, जेड है, जेड में ज में आई की मात्रा और ड लग रहा है जेड, और जेबरा में कोई वर्ड ले लीजिए जेबरा, उस पर ज आ रहा है जेबरा, जिस जेड से ज आ रहा है। उस तरह आप कोई भी और रैंडम नंबर ले लीजिए और उसके बोल के लिख कर जैसे भी आपको सुविधा लगे उसको रिपीट कीजिए, 26 लेटर्स हैं, या आप होमवर्क समझ लीजिए, जो भी समझिए उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम आपको बता दें ये वर्ड उच्चारण आप इस तरह के आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हम आगे के देखते हैं क्या है, तो आगे है हमारा स्वर, और हाँ तो इंग्लिश का तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हम हिंदी वर्णमाला में देखेंगे, इंग्लिश वर्णमाला देख ले, अल्फाबेट बोलते हैं वर्णमाला को हिंदी में, अल्फाबेट और इंग्लिश तो अल्फाबेट है, तो हिंदी वर्णमाला में भी दो चीज होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। वर्ण बता दें आपको क्या होते हैं, वर्ण वो हिंदी व्याकरण का वो छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्या नहीं किए जा सकते हैं, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो इसी तरह हिंदी वर्णमाला में दो को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन, एक स्वर है देख लीजिए यहाँ पे, एक स्वर होता है जिसे भवेल के नाम जानते हैं, और एक दूसरा कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट, एक भवेल और एक कॉन्सोनेंट। तो अब स्वर जो है भवेल जो है इसमें ओ आ ई उ ए ऐ ओ अन अ, ये जो है भवेल है, क्या है, और जो बाकी क ख ग है अंग तक और ये सब वो जो क्या है वो ज्ञ तक जो है सारे क्या है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट बोलते हैं इनका। कुछ हम उच्चारण करके देख लेते हैं और बाकी का आप प्रैक्टिस कीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अ का है, जब हम छोटे होते हैं तभी से पढ़ाया जाता है, ए से अ, ए से अ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, इसका उच्चारण है। तो अब स्वर किसे कहते हैं भव और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं थोड़ा देख लेते। स्वर को बोलने के लिए किसी भी कॉन्सोनेंट का यूज नहीं किया था, भवेल खुद अपने खुद के वर्णों को मिल से बनता है, बल्कि
और व्यंजन को, किसी भी व्यंजन को पूर्ण रूप से बनाना हो तो उसको किसी न किसी भावेला, किसी न कोई कंसल्टेंट की सहायता लेनी पड़ती है, बल्कि भावेल को किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो और उसी तरह कैसे क में हलंत लगाए, पूरा क नहीं है, और क को पूरा करने के लिए किसी न किसी व्यंजन का या स्वर का, जैसे क क में अ लगाना पड़ेगा, तो के ऐसे क हो या के एच ए से ख हो या ये सब लगाएंगे तब वो पूर्ण होगा। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ भवे, तो भवेल, भवेल का उच्चारण क्या क्या है, कौन कौन भवेल है, पहले हमको बता दीजिए अपने मन में या कमेंट में करके बताइए। और जो जो है वो है फिर से हम बता दे रहे हैं, भवेल है ए आई ओ यू। और देखिए हमें अंग्रेजी के स्वरों का उच्चारण को समझना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो स्वर का उच्चारण है उसके बहुत बहुत सी विविधताएं भी हैं। और स्वर का उच्चारण के नियम का वर्णन आगे कर रहे हैं, जो कि ए का नियम ए है। पहले तो ए आता है, ए ई आई ओ यू में ए है। तो ए का जो उच्चारण है तीन तरह से कर सकते हैं, तो ए से ए है, अ है, आ है, क्या है, ए आ और आ। तो जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, वर्ड में इसका उच्चारण करते हैं, तो मैट है, मैट एम ए टी मैट, मैट मतलब चटाई, क्या है, चटाई। तो मैट में ए की मात्रा लगाए, क्या, ए। उसी तरह आल लेते हैं, आल में आ आ की मात्रा लेते हैं, आ में ऊपर भी चंद्र रहे आधा ही है, और आल मतलब सब होता है। गिटार लेते हैं, गिटार में टा में ए लगाए हैं, ए मतलब आ, यहाँ पर ए का क्या उच्चारण हो रहा है, आ। उस तरह हेयर, हेयर मतलब खरगोश होता है, और रैबिट मतलब भी होता है, हेयर मतलब खरगोश होता है। तो ए का यहाँ पे ए हो रहा है, क्या हो रहा है, ए। उसी तरह अब हम आगे का उच्चारण ए ई में देखते हैं। और भी वर्ड आपको कोई भी ऐसा वर्ड लगे कि नहीं ये भी है तो उसको भी रिपीट करें, और ऐसा कोई भी जो ए जिसमें आता हो उसको उच्चारण करके जरूर देखें। तो ई का उच्चारण के नियम है, कोई भी एक वर्ड, अच्छा ई का वर्ड कोई भी उठाकर अपने मन से, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिख सकते, सभी वर्ड तो बहुत हैं जो इम्पोर्टेंट है जिससे हम समझा सके आपको, तो वो है ई है, ई से ई है बड़ी छोटी है। तो उसी तरह एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेट, पेट मतलब पालतू होता है, पालतू जानवर, सुने पेट एनिमल, वो उसमें पेट में ई आ रहा है, ई का अर्थ ए है, क्या है, ए। उसी तरह रेड है, रेड मतलब लाल कलर, कलर नेम है, रेड में ए क्यों, ए आ रहा है। अब डबल ई से दीर्घ, दीर्घ, तो बी, बी मतलब मधुमक्खी, डबल ई लगाए हैं, बी में बड़ी की मात्रा लग रही है और इसका उच्चारण बड़ी की हो रही है। मीट, मीट मतलब मिलना है, दो लोग मिलते हैं तो मीट होते हैं, तो मीट में बड़ी की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह ए ई हो गया, और भी बहुत से वर्ड मिलेंगे, उसको भी आप उच्चारण कीजिए और उसको हमको बताइए। और हम ए के उच्चारण में कुछ और बताना चाहते हैं हम, ए का जो उच्चारण, ए कोई भी ऐसा वर्ड लीजिएगा जिसके बाद आई और वाई हो, ए के उच्चारण ऐसा वर्ड जिसके वर्ड के ए के बाद आई या वाई हो, तो उसका यूज, इसका उच्चारण ए हो जाता है, ए ए कौन ए है, ये ए हो जाए, ये अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है, ए है, ये हो जाए, क्या लगा हो जी, ए के बाद कोई भी वर्ड के बाद आई या वाई लगा हो तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। जैसे कि डे ले लीजिए, डी ए वाई, डे, डे में ए आ रहा है, ए डी ए वाई, ए के बाद क्या आया, वाई आया। और वे ले लीजिए, वे मतलब रास्ता, डब्ल्यू ए वाई, वे, वे में ए की मात्रा आ रहा है, डब्ल्यू ए के बाद वाई आ रहा है, डब्ल्यू ए वाई, वे में ए के बाद वाई आया तो उसका मात्रा क्या हो गया, ये वाई हो गया, ये हो गया ए। और भी वर्ड लीजिए और कमेंट कीजिए अभी, आप आगे चलते हैं ई में, इसका छूट गया था बस सोचिए बता दें। ई में भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि और किसी भी ई का प्रयोग अंत में किया जाता है, किसी भी वर्ड के अंत में, तो उसका उच्चारण नहीं होता है। तो कोई भी वर्ड लीजिए, जैसे एल आई एफ लाइफ, और फ्रेम, एफ आर ए एम ई, फ्रेम, म तक आ जा रहा है, और
नोज ले लीजिए, और भी बहुत से वर्ड मिलेंगे, उसको लेके देखिए। मतलब अगर कोई भी वर्ड है जिसके अंत में ई अगर लगा देते हैं तो ई का उच्चारण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ई का उच्चारण नहीं होता है। तो वर्ड लीजिए, कीजिए, क्योंकि जितने वर्ड लेंगे उससे आपको एक प्रैक्टिस होगा। तो आगे देखते हैं, आई का उच्चारण क्या? प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। तो आई का उच्चारण करेंगे तो आई में बहुत से हैं, आई है, आई है, आई ओ आए हर्ष, ये बहुत से हैं। तो इसमें हम करके देख रहे हैं वर्ड बिग। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा होता है। बिग, बिग में ई की मात्रा लग रहा है, छोटी, बड़ा, बिग मतलब बड़ा। उसी तरह लाइक में आ की मात्रा आ रहा है, आई आई आई, और में आ और ई लग रहा है, आई। लाइक मतलब पसंद। हाई है, हा आई, हा ई, ठीक है। ऊंचा हो जाए, हायर, हायर किराए पर लेना, तो आ की मात्रा आ रहा है, तो इतना है। और भी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे आई का, तो आई के साथ। और आगे आई के बाद क्या आता है वॉयल में? क्या क्या आता है? ओ है, ओ का उच्चारण देखते हैं। बॉक्स, कोई वर्ड लेते, बॉक्स में ओ आ रहा है, BOX, ओ, तो मतलब आ रहा है, बॉक्स, बॉक्स, बॉक्स मतलब संदूक। ओल्ड लेते हैं, ओ की मात्रा आ रहा है, ओल्ड मतलब पुराना। डू में ऊ की मात्रा आ रहा है, डू। सन, सन मतलब स, आ रहा है, सन। और आउल है, आउ मतलब ओ की मात्रा, आउल, उल, आउ आ रहा है, क्या रहा है? आउ। उसका लुक है, लुक में ऊ की मात्रा आ रहा है, लुक, उक, ठीक है। और डबल मून, मून में बड़ा बड़ा हुआ रहा है। और टॉय, ओय, क्या रहा है? ओय, टॉय, ओय। उसी तरह ओ का हुआ हमारा, हम एक और नेक्स्ट में ओ ई आई ओ, यू बचा है, यू के साथ आप ले लेते हैं, आ रहा, अप मतलब ऊपर, और फुल मतलब पूरा, फुल। ऊ की मात्रा छो आ रहा है, और ये ओ खत्म हो चुका है, ओ में हमारा था। और यू में फुल है तो उसको पूरा होता है, ऊ की मात्रा आ रहा है इसमें। और ये और भी बहुत सारे हो जाएंगे यू में, उ, यू, यो, उ, ये सारे उच्चारण आपको यू से होते हैं। तो हमारा यहाँ तक लगता है आप उच्चारण स्वर का खत्म होता है। अब व्यंजन के करना है, व्यंजन का उच्चारण स्वर के उच्चारण की तुलना में बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसका उच्चारण समान एक ही होता है, लगभग एक ही होता है। परंतु व्यंजन जैसे सभी का उच्चारण हिंदी में अलग और वर्ड के साथ एक ही उच्चारण होता है, लेकिन स्वर का अलग अलग होता था। स्वर किसी भी वर्ड के साथ मिलकर उसका उच्चारण बदल जाता है, लेकिन व्यंजन का लगभग सभी का उच्चारण सेम होता है। चार या पांच को छोड़कर सभी का होता है। जैसे चार पांच में आपको हो जाता है, सी हो जाएंगे, नोट कर लीजिए, सी हो जाएंगे, जी हो जाएंगे, एस और टी है जो है, इन सभी का चेंज होता रहता है, और बाकी सभी का एक ही होता है। तो वही चीज़ों का देखेंगे, बाकी का उच्चारण वही होता है, देखे कैसे का वही है। तो हम देखते हैं आगे का क्या है। तो सी है, सी का उच्चारण देखते हैं। अगर सी के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, सी के बाद ई आई और वाई आता है, क्या आता है? सी आई और वाई आता है, तो सी का उच्चारण स होता है, क्या होता है? स। जैसे रिसीट, रिसीट बोलते हैं, रिसिप्ट नहीं, रिसीट, क्या बोलते हैं? रिसीट, रिसिप्ट मतलब रसीद। तो ये देखिए, RCEIPT, सीट, रिसीट होएगा। उस तरह एक्सरसाइज है, एक सर सी आई है तो स आ गया, अभ्यास होता है, एक्सरसाइज। सेंचुरी मतलब शताब्दी होता है, इसमें भी सेन, SE है, ई है, तो क्या हो गया? स हो गया। उसी प्राइवेसी भी है, गोपनीयता है। उसको और भी वर्ड्स मिलेंगे आपको, तो कमेंट करके बताइए कि हाँ ये वर्ड है सर, इसका क्या उच्चारण होगा, तो हम जरूर बताएंगे। और यदि सी के पश्चात कोई पश्चात तो बाद होता है, तो बाद, और AOUKRT, यदि इस तरह के अक्षर आते हैं तो प्राय सी से, सी का उच्चारण क करते हैं, क्या करते हैं?
पहले तो ई आई वाई आया तो सी का उच्चारण स आ गया। अगर ए ओ यू के आर टी आता है तो इसका उच्चारण क्या आ जाएगा? क। क्या था? क। तो उसी तरह जैसे जैसे कैट, कैट का उच्चारण क्या होता है? बिल्ली, मतलब बिल्ली बोलते हैं। क आए के क्या हुआ? क क आया क। उसी तरह कोकोनट, क आया सी से क, को ओ से को हो गया ओ। कट, कट मतलब काटना। सी सी आया सी से क्या है? कट, कट बोले। क्लिक है, क्लिक में सी सी का उच्चारण क्या है? क, क्लिक, क्लिक। और देखिए लास्ट में क आ रहा है, सी एल आई सी के, क आ रहा है, क्लिक मतलब दबाना। यदि सी के बाद ए आई और ए आया या ई और ए आता है तो कभी सी का उच्चारण स, स आता है इसका सा स्पेशल। सी सी है सी के बाद एस पी सी आई ए एल है क्या? और स्पेशल, स्पेशल विशिष्ट बोलते हैं। इसमें इसका क्या उच्चारण आया? स। सोशल है, सोशल में सी के बाद आई ए एल है मतलब सामाजिक। ये इतना तरह का आया। तो हम आगे का देखते हैं। सी तो हो गया, सी के बाद हम क्या बताए? सी एस, तो सी जी बोले थे, जी भी, जी का उच्चारण देख लेते हैं। जी के बाद अगर कोई ई आता है, क्या आता है? जी कोई ऐसा वर्ड है जी, जो कि जी जी है बीच में और उसके बाद क्या आता है? ई आता है, तो उसका उच्चारण ज होता है। क्या होता है? ज। और कुछ स्थानों पर जी का उच्चारण ज होता भी है। और ई आता है तो उसका उच्चारण हम ऐसे भी ज बोल देते हैं। जैसे कि पेज, पेज मतलब पृष्ठ होता है। ज आया लास्ट में, ज बोल दिए पेज। और हम आपको बताया है कि अगर कोई भी वर्ड उसके अंत में ई आता है तो ई का उच्चारण नहीं होता है। इसमें भी देख लीजिए, पेज, ज में ई आया नहीं, तो यहाँ पर भी वही। सेज, सेज मतलब विद्वान होता है। लास्ट में ई आया। जर्म्स, जर्म्स मतलब कीटाणु। जी आई ज ज। इमेजिन, ई एम ए जी आई है, आई एन इमेजिन। जी के ऐसे भी ज आया, और वैसे भी अगर ई भी साथ होता है तब पर भी ज ही होता है। तो जी, हमें उम्मीद है जी का उच्चारण समझ में आया होगा। और जी से भी कोई वर्ड होता है तो हमको जरूर बताइए, और उसको नोट में अपने लिखिए। और आगे देखते हैं एस, एस का उच्चारण का नियम है ज स और स। ये देखिए, एस मतलब अगर अकेले बोलते हैं तो एस ए स है, और किसी वर्ड के साथ बोलते हैं तो इसका उच्चारण चेंज हो जाता है। तो इसमें देखते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में बी ई जी डबल जी ई आई ई एफ वाई इस तरह और भी अक्षर आते हैं तो इसके पश्चात आने वाले एस का उच्चारण क्या हो जाएगा? ज। वही जी वाला ज, जी में भी आया, इसमें भी एस का ज आ जाता है। ट्यूब्स, लास्ट में एस लाते हैं, ट्यूब्स, ट्यूब्स बोलते थे। कोई बहुत से लोग हैं जो ट्यूब्स बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं, एग्स बोलते हैं, एग्स नहीं एग्ज। उसी तरह ट्यूब्स, लेग्ज, केजेज, क्या बोलते हैं? लेग्ज, केजेज, एग्स, एग्ज, ये सब क्या? अब इसमें जो एस का उच्चारण है वो क्या हुआ? ज का उच्चारण क्या हुआ? ज। तो उसी तरह, और यदि एफ भी होता है, एफ होगा, पी होगा, के ई है, जी एच है, पी ई है, टी ई है, तो इस तरह के अगर आते हैं अंत में किसी भी वर्ड है जिसके उसमें आते हैं तो उसका ज ही, उसका भी उच्चारण क्या होता है? उसका उच्चारण एस हो जाता है। क्या होता है? अगर कोई शब्द है जिसके अंत में एफ होता है, पी होता है, के ई होता है, जी एच टी हो जाएगा, तो उस सब का उच्चारण स हो जाता है। जैसे प्रूफ्स, एस होता है ना, प्रूफ, पी आर डब्ल्यू एफ एस, प्रूफ्स, तो प्रूफ्स स आता है। उसका लिप्स, लिप्स स आता है। बाइक्स, बाइक्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या यूज किए? एफ, एफ है प्रूफ में, एस के पहले एफ आ गया प्रूफ, लिप्स पी आ गया, लिप्स प आया तो इसलिए स बोलना पड़ा। बाइक्स है बाइक, बी आई के ई, एस लग गया, एस है तो उसमें के पहले ई लगा, आई के आई ई लग गया, तो क्या हो गया? बाइक्स,
स उच्चारण होता है, क्या होता है स, और बाकी ई है इसमें दिया हुआ है, ई बी बी ई है, जी है बी ई है, जी है, डबल डबल जी है, ये सब है तो उसका उच्चारण ज हो जाएगा। तो हम आगे का देखते हैं क्या है। अब उच्चारण एक और होगा टी, टी का उच्चारण यदि कोई शब्द में टी के पश्चात आई ए आई ई आई ओ इत्यादि कोई भी टी का उच्चारण तो उसे स बोलते हैं, क्या बोलते हैं स। जैसे एसेंशियल, एसेंशियल है, एसेंशियल मतलब अनिवार्य होता है। तो उसी तरह पेशेंस है, पेशेंट में होता है, पेशेंट है, पेशेंस ने, पेशेंट मतलब मरीज, तो पेशेंट को पेशेंट में भी है ट पे पी ए टी आई ई एन टी पेशेंट स है। यदि शब्द में एस के पश्चात टी आई ओ एन या टी के पश्चात यू एंड ई आता है, टी का उच्चारण क्या होगा च, ऐसे बोल कर देते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलते हैं, टनने वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बोलते क्वेश्चन, नेचर यानी टी को क्या बोले च पे बोलते हैं नेचर, नेटर नहीं बोलते हैं नेटर या जो होता है लिखा नेचर होता है, क्या बोलते हैं नेचर। तो यदि किसी शब्द में टी के पास एच आता है या टी एच आता है तो उसका उच्चारण द या थ होता है, क्या होता है द या थ। जैसे दैट दैट पढ़े दिस थिन थिक, ऐसा पढ़े ना थिक थिन, बोल कर देंगे बोल के चुप रहने से बोल कर देंगे तो समझ में आएगा, बोलिए उसका उच्चारण सही सही कीजिए। और उसके बाद कुछ वर्ड है जिसके टी एच का उच्चारण ट होता है, टेंस, टेम्स नदी है इस नाम से, टेम्स नदी, ये हमारा टी का खत्म होता है तो टी के बाद हमारा क्या आता है। तो ये मूक वर्ड आपको हम बता दें, मूक वर्ड जो है वेट इसमें अभी आपके मूक वर्ड आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, हम नहीं बिलीव है तो आप प्रीवियस पेपर भी डिस्क्रिप्शन में है उसमें देख के आप देख सकते हैं। तो इसमें आप ए से लेकर जेड तक है, स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ लीजिएगा, हम कुछ का कुछ का हम डिस्कस करके आपको बता दे रहे हैं। वैसे ए है, ए का उच्चारण साइलेंट, इसमें हम देखेंगे साइलेंट वर्ड्स, जैसे लॉजिकली, लॉजिकली में ए तो आ रहा है लेकिन ए का ए साइलेंट है, हम ए नहीं बोलते हैं। बी में कॉम लेते, कॉम लेते हैं कॉम, तो बी का उच्चारण नहीं करते हैं। उसी तरह सी है एक्वायर, एक्वायर में सी का उच्चारण नहीं करते हैं, और या सी एच है तो याक, याक बोलते हैं, सी नहीं आता है। उसी तरह डी है तो हैंकर चीप में डी है लेकिन डी का हम उच्चारण नहीं करते हैं। उसी तरह वैन, वेनसडे, वेड वेडनसडे नहीं बोलते हैं, वेनसडे क्या बोलते हैं वेनसडे। इस तरह से आप ये साइलेंट वर्ड का सारे, इसमें सिर्फ क्यू और जो वाई है उनका जो इन क्यू और वाई का जो आपको मिलेगा साइलेंट लेटर, ये कहीं भी नहीं है जो क्यू और वाई का साइलेंट लेटर, हर जगह ये इनेबल मिलेंगे इस। और आर का देख लिए बटर, फिंगर फिंगर, उसी तरह सारे मिलेंगे आप सबको पढ़िएगा। और हम ये चैप्टर ख़त्म होता है वैसे, और अंत तक देखिए तो हम आपको पता चला हो उच्चारण हमारे लाइफ पे कितने मैटर करता है, और हम किसी भी वर्ड का गलत उच्चारण करते हैं तो जो समझने वाला व्यक्ति हो जिससे हम बात कर रहे हैं उसको समझ नहीं आता है कि क्या वर्ड बोल रहे हैं। इसलिए हमें ये चैप्टर से बहुत कुछ मिला है, तो इसे और नहीं समझ में आता है तो एक बार रिपीट करके फिर से देखें, और कोई ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण आप कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट में ज़रूर डालें और उसके जवाब ज़रूर पाएं। तो धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक जय।